तालमन आर वेरी स्मार्ट प्लेयर्स. मतलब ये लोगों के लिए शायद एक छोटा सा फैक्ट होगा कि इवन ड्यूरिंग लास्ट टू डिकेड्स व्हेन दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, तो उस वक्त भी वो 6 महीने लड़ते थे और 6 महीने वो कारोबार करते थे. और 6 महीने जो कारोबार करते थे वो रीजन में करते थे, वो चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, तो वो इधर उधर घूम रहे होते थे. कह सकते हैं कि उनको जहाँ जरूरत थी पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल किया, एक विन विन वो चीज़ थी. इसीलिए आप देखें कि उन्होंने हर जगह अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दिखाई हैं अग्रेसिवली सिवाय पाकिस्तान के. ईरान के अंदर सिर्फ 4 शहर हैं जिनके अंदर अफगान रह सकते हैं, ठीक है. उन 4 शहरों से बाहर निकलेंगे शूट एट साइट के ऑर्डर हैं, ये लेजिस्लेशन है ईरान में. लेकिन आपको लगता है अफगान तालिबान अभी भी कहीं ना कहीं अलकायदा के साथ, मतलब ये नहीं उनकी एक डायरेक्ट सॉफ्ट, क्यों मैंने कहा ना माँ है उनकी, आइडियोलॉजिकल माँ है उनकी, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेनिंग में और उसमें, आइडियोलॉजिकल माँ है. ये बेसिकली एक ऐसा भाई है जिसको चाहते नहीं है बट भाई है, तो भाई है. और इट्स अ काइंड ऑफ एसेट जिसको किस वक्त भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली. देयर इज वन ग्रुप लश्कर इस्लाम जो कि खैबर एजेंसी का है, बड़ा मशहूर, वो इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तानी स्टेट के आगे सरेंडर कर दें. ये भी एक फैक्ट है, ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड कि अवर नेशन इज नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव नाउ. बट देयर इज अ फेमस सेइंग ना कि इफ यू वांट टू पॉइजन अ नेशन, पॉइजन देयर स्टोरीज, इट इज एज सिंपल एज दैट. तो हमारी स्टोरीज में अफगानिस्तान की स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी है जिसको पॉइजन किया गया. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद ज़िया, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, एवरीथिंग, यू कैन यू नो पुट एवरी ट्रैश ऑन हिज बिन. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू दैट वॉर, स्पेसिफिक टू वॉर इनसाइड अफगानिस्तान, you as a state should have owned it as a success of the state. What you did over there is ke aapne apne aap ko itna piche kar liya ke CIA ne kaha ke SRD war thi, Charlie Wilson's war thi ji. Uske baad aati hai aapki bari ke aapne basically Afghanistan ke andar civil war ko avert kiya, unke liye aapne diplomacy ki, OIC arrange ki, ye sari cheeze aap kar rahe the na, kahin pe bhi aapko ye nazar nahi aata ke ji Pakistan isko own kar raha hai. Taliban jo phir aapke sar pe chadh ke baith gaye. और अभी आपकी पॉलिसी चाहे कुछ है या नहीं है, अगर आपकी स्टोरी नहीं है तो कोई भी पॉलिसी आपकी जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा. ऑलमोस्ट हर हुक्मरान ने रूरल एरिया के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम औरतों को नहीं बढ़ने देंगे. ये सिर्फ तालिबान का मसला नहीं है, जो उनके लिबरल अभी हुक्मरान थे सारे, सब एक बादशाह पूरा जो है उनका एग्जाइल में चला गया बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन कि उसने औरतों को पढ़ने की इजाज़त दे दी थी. तो ये अफगान सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये अफगान सोसाइटी का जनरली एक प्रॉब्लम है. मुल्ला उमर की जो वाइफ थी, लाइक शी वाज अ स्नाइपर, और कहते हैं कि वो जब लोगों से उसके एरिया में जाके बात की तो वो बेसिकली सांपों को मारा करती थी अपने फारिग टाइम में. अफगान जो लड़की है ना, इन अ रूरल सेटिंग एज वेल, शी इज क्वाइट एम्पावर्ड. हमारी क्या पॉलिसी क्या है लाइक टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशन वाली साइड पर? डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है आपके मुल्क की? वो घूमते जाती किस लिए यार? अगले लेट से 3 से 6 साल या 1 डेकेड अगर हम देखें तो वो आपको कैसा नजर आ रहा है अफगानिस्तान का, और अगेन उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नाउ.